हेलो फ्रेंड्स, साइबोर्ग इसे अप्रैल 1989 में संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। इस सीरीज की यह पहली शानदार मूवी है। $500,000 में बनी इस फिल्म ने लगभग $1 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। इस फिल्म के एक्टर्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। फेंडर ट्रेमेलो जो एक समुद्री लुटेरा और इस फिल्म का विलेन है, पर्ल प्रोफेट जो साइबोर्ग है, नाडी सिमोन्स जिसका परिवार प्लेग से मर चुका है, मार्शल स्ट्रेट जो पर्ल का बॉडीगार्ड होता है, मेरी जो गिब्सन की प्रेमिका होती है, हेली मेरी की छोटी बहन और जीन क्लोड वैन डैम फिल्म के हीरो जिनका नाम गिब्सन होता है, जिन्हें सिलेंजर के रूप में जाना जाता है। सिलेंजर उसे कहते हैं जिसे किसी को मारने या खुद को बचाने के लिए हायर किया जाता है। तो चलिए इस एक्शन और रोमांस से भरपूर कहानी को समझते हैं। पूरी दुनिया में प्लेग की बीमारी फैल चुकी है और बहुत ही कम लोग बचे हुए हैं, जिसमें कुछ बचे हुए वैज्ञानिक और डॉक्टर्स का एक समूह मानवता को बचाने के लिए प्लेग के इलाज पर काम करता है। इस इलाज के काम को पूरा करने के लिए उन्हें कुछ जरूरी जानकारी चाहिए होती है, जो न्यूयॉर्क शहर में एक कंप्यूटर सिस्टम में सेव होती है। इस मिशन में एक लड़की पर्ल प्रोफेट शामिल होती है, जिसे उसकी मर्जी से साइबोर्ग बना दिया जाता है, ताकि वह कंप्यूटर की सारी जानकारी अपने साथ लेकर अटलांटा आ सके, जहां उस बीमारी के इलाज पर काम किया जा रहा था। पर्ल के साथ मार्शल स्टेट को उसका बॉडीगार्ड बनाकर भेजा जाता है। वह दोनों उस डेटा को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन समुद्री डाकुओं का एक गिरोह उनके पीछे पड़ जाता है। उस गिरोह का सरदार फेंडर ट्रेमेलो रहता है, जो कि बहुत ही शातिर और क्रूर हत्यारा होता है। फेंडर के आदमी पर्ल और मार्शल पर हमला कर देते हैं। फेंडर उस इलाज को पाना चाहता है ताकि वह पूरी दुनिया को कंट्रोल में कर सके और इलाज का उत्पादन करके मनचाहे तरीके से उसे बेचे, जिससे सभी जगह उसी का राज हो। मार्शल बुरी तरह घायल हो जाता है, तभी फेंडर आता है और उसका गला काट देता है। पर्ल वहां से भागने लगती है और तभी फिल्म के हीरो की एंट्री होती है, गिब्सन। वह पर्ल को बचाने की कोशिश करता है। पर्ल उसे बताती है कि वह साइबोर्ग है और उसके दिमाग में लगी चिप में बीमारी के इलाज की जानकारी का डेटा रहता है और उसे इस चिप के साथ किसी भी तरह अटलांटा पहुंचना है। तभी फेंडर का आदमी गिब्सन पर फायर कर देता है, जिससे वह एक कमरे के मलबे के नीचे दब जाता है। फेंडर पर्ल से कहता है कि मैं तुम्हें अटलांटा ले जाऊंगा और तुम मुझे वो इलाज दोगी, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। मजबूरी में पर्ल उसके साथ चली जाती है। फेंडर का गिरोह एक फिशरमैन परिवार पर हमला कर देता है। वह लोग वहां पर आग लगा देते हैं और सबको मार डालते हैं। उनकी बोट चुराकर वह पर्ल को अपने साथ लेकर इंट्रा कोस्टल समुद्री मार्ग से अटलांटा की ओर जाने लगते हैं। उधर गिब्सन उस मलबे से बाहर निकलता है और उसी जगह पहुंचता है जहां इस परिवार को मारा गया था। तभी उसे महसूस होता है कि पीछे कोई है और वह चाकू से निशाना लगाकर उसे घायल कर देता है। वह पास जाकर देखता है तो वह एक यंग लड़की होती है, जिसका नाम नाडी होता है। वह गलती से गिब्सन को समुद्री डाकू समझ लेती है और उसे बताती है कि वह लोग पर्ल को बोट पर ले गए हैं और चार्ल्सटन से होकर गुजरेंगे। वह सोचती है कि गिब्सन पर्ल को बचाना चाहता है और वह उसकी मदद करना चाहती है ताकि प्लेग की बीमारी का इलाज हो सके, लेकिन गिब्सन मना कर देता है और उसे जाने के लिए कहता है। पर नाडी उसके पीछे आती रहती है और उससे कहती है कि उसे सड़क के रास्ते से चार्ल्सटन जाने का शॉर्टकट पता है। दरअसल गिब्सन को प्लेग की इतनी चिंता नहीं रहती है, उसे तो फेंडर को मारकर उससे बदला लेना होता है। इसका कारण आपको कहानी में आगे पता चल जाएगा। रात में गिब्सन एक आदमी से मिलता है जो उसे बताता है कि फेंडर चार्ल्सटन से निकलने के पहले हट्टेरस नाम की जगह पर रुकेगा। गिब्सन उससे कहता है कि जहां महासागर अटलांटा जाने के लिए सड़क से मिलता है, मैं उसे वहीं पर पकड़ लूंगा। नाडी को वहां प्लेग की बीमारी से तड़पती हुई एक लेडी दिखती है। वह गिब्सन से कहती है कि प्लेग का इलाज ढूंढना महत्वपूर्ण है, इसलिए पर्ल को बचाना जरूरी है। गिब्सन और नाडी सड़क के रास्ते चलते रहते हैं। गिब्सन उससे कहता है कि तुम्हें इलाज चाहिए और मुझे फेंडर। नाडी को लगता है कि वो रास्ता भटक गए हैं। गिब्सन को पेड़ के पीछे एक आदमी छिपा दिखता है और वह तेजी से जंगल की ओर चला जाता है। नाडी कुछ समझ पाती तभी अचानक जंगल से कुछ डाकू निकलकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। वह भागकर एक खंडर जैसे मकान में चली जाती है, जहां सभी डाकू उसे छिपकर घेर लेते हैं। गिब्सन उनमें से दो को जंगल में मार देता है।
फिर वह उस मकान में आ जाता है और उसके बाद जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छे एक्शन सीन्स देखने को मिलते हैं और गिब्सन कुछ ही देर में उन गुंडों की अच्छी धुलाई कर देता है। गिब्सन को देखकर नाडी को भी जोश आ जाता है और उनमें से एक को वो ठिकाने लगा देती है। नाडी गिब्सन से इम्प्रेस हो जाती है और उसे पसंद करने लगती है। दोनों वहां से निकलकर समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं जहां फेंडर की बोट आने वाली होती है। दोनों रात में वहीं पर रुक जाते हैं। नाडी गिब्सन से कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ और गिब्सन उससे कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा देखना चाहता हूँ। दरअसल गिब्सन नहीं चाहता कि फेंडर से सामना होने पर नाडी को कुछ हो जाए। दूसरी तरफ फेंडर बोट में पल से कहता है कि कल दोपहर तक हम अंतरराष्ट्रीय रास्ते तक पहुंच जाएंगे। अगले दिन नाडी और गिब्सन को फेंडर की बोट खड़ी दिखाई देती है और सामने एक बड़ी फैक्ट्री दिखाई देती है जो प्लेग के माहौल के कारण बंद पड़ी होती है। वह दोनों वहां जाने लगते हैं और फेंडर भी उन्हें आते देख लेता है और वह अपने साथियों को अलर्ट कर देता है। अंदर पहुंचकर गिब्सन नाडी को वहीं रुकने को कहता है पर नाडी उससे कहती है कि वह नहीं चाहती कि तुम्हारे बदला लेने के कारण परले को कोई नुकसान हो, इसलिए वह साथ चलेगी। गिब्सन उसे समझाता है कि मैं वादा करता हूँ कि परले को कुछ नहीं होगा। फिर वह वहां से बिल्डिंग में ऊपर की तरफ चला जाता है और नाडी उसकी बात न मानते हुए दूसरी तरफ से अंदर जाने लगती है। ऊपर गिब्सन और फेंडर के लोगों के बीच फाइट शुरू हो जाती है जिसमें लड़ते हुए गिब्सन गिरकर एक पाइप से लटक जाता है। फिर वह पाइप को तोड़कर नीचे आते हुए तीन चार लोगों को गोली मार देता है। तभी उसे फेंडर देखता है और उसके सामने नाडी बेहोश पड़ी होती है। फेंडर गिब्सन को चैलेंज करते हुए अपनी ओर बुलाकर उस पर फायर कर देता है। गोली गिब्सन के कंधे पर लगती है। फेंडर के सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं जिसमें हेली और गिब्सन एक दूसरे को देखते हैं। गिब्सन उसके गले में पहने लॉकेट से उसे पहचान लेता है और फेंडर पर तेजी से चाकू फेंककर वहां से भागकर छुप जाता है। सब लोग अलग अलग होकर उसे ढूंढने लगते हैं। वह वापस आकर बेहोश नाडी को उठाता है और पर्ल से साथ चलने को कहता है। पर्ल उसके साथ जाने से मना कर देती है। वह कहती है कि तुम अकेले मुझे अटलांटा वापस नहीं ले आ सकते, फेंडर हमें ढूंढ लेगा और मुझे और तुम्हें मार देगा। वह कहती है कि अटलांटा में मेरे पास ऐसे सोर्स हैं कि मैं उसे वहां पर मरवा दूंगी। फेंडर के आदमी वहां आने लगते हैं। गिब्सन नाडी को लेकर वहां के मेन होल से पाइपलाइन के अंदर चला जाता है। वे गुंडे भी उनके पीछे पाइपलाइन के अंदर आने लगते हैं। गिब्सन हेली को दीवार के सहारे बैठाकर ऊपर की तरफ चाकू लेकर छुप जाता है। जैसे ही सबसे आगे वाला आदमी आता है गिब्सन चाकू से वार करके उसे मार देता है। तब तक नाडी को होश आ जाता है और वो दूसरे रास्ते से बाहर आ जाते हैं। दोनों वहां से भागते हुए एक पानी से भरी जगह पर आ जाते हैं। फेंडर के आदमी भी उनके पीछे वहां पर पहुंच जाते हैं। गिब्सन उनसे थोड़ी देर तक लड़ता है। नाडी भी उनमें से एक औरत से लड़ते हुए उसे मारकर बेहोश हो जाती है। लड़ते हुए गिब्सन बहुत थक जाता है और सभी लोग उसे घेर कर गिरा देते हैं। इसके बाद फेंडर वहां पर आ जाता है और गिब्सन की जमकर पिटाई करते हुए उसे बेहोश कर देता है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं गिब्सन का वो लोग एक पुराने टूटे जहाज पर क्रॉस बनाकर टांग देते हैं। वह लोग वहां से जाने लगते हैं लेकिन हेली वहीं रुक जाती है। गिब्सन भी बेहोशी की हालत में उसे देखता है। बाद में फेंडर आवाज लगाकर हेली को बुला लेता है। अब यहां पर गिब्सन को वो हादसा याद आता है जिसमें कुछ सालों पहले फेंडर ने उसके परिवार को तार के सहारे कुएं के ऊपर लटका दिया था और उस तार का दूसरा हिस्सा हेली को पकड़ा दिया था। लेकिन कम उम्र की हेली कब तक उस तार को अपने हाथों से पकड़ती, उसके हाथ से तार छूट जाता है। हेली गिब्सन की प्रेमिका की छोटी बहन होती है। इस घटना में गिब्सन अकेला बच पाता है और हेली को फेंडर अपने साथ ले जाकर अपने गिरोह में शामिल कर लेता है। अब गिब्सन बहुत गुस्से में आ जाता है और चिल्लाते हुए उस क्रॉस वाली लकड़ी को अपने पैरों से तोड़ देता है। बाद में नाडी वहां आ जाती है और उसकी रस्सी काटते हुए कहती है कि मैंने कहा था तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। फेंडर अपने गिरोह के साथ अटलांटा की सीमा तक पहुंच जाता है। गिब्सन और नाडी इस बार बेहतर तैयारी करके उसका रास्ता रोक लेते हैं। गिब्सन फेंडर के गिरोह के लोगों को मारते जाता है। नाडी भी पर्ल को बचाते हुए फेंडर की गैंग की एक लेडी को मार देती है। अब यहाँ फेंडर और गिब्सन के बीच फाइट शुरू हो जाती है जिसमें फेंडर गिब्सन पर हावी हो जाता है। वो गिब्सन पर वार करता है जिससे गिब्सन उछलकर एक कार के अंदर गिर जाता है। अब यहाँ पर हेली फेंडर को रोकने लगती है। फेंडर चाकू निकालकर उस पर हमला करने लगता है। तभी कार के
अंदर से गिब्सन उसे जोरदार किक मारता है। किक की चोट से फेंडर पलट जाता है। नाडी उस पर चाकू से वार करने की कोशिश करती है, लेकिन फेंडर उसके पेट में चाकू घोंप देता है और वह हेली की तरफ बढ़ता है। गिब्सन कार से बाहर आ जाता है। दोनों के बीच काफी देर तक फाइट होने के बाद गिब्सन फेंडर के सीने में चाकू घोंप देता है और उसे मरा हुआ समझकर हेली को गले लगा लेता है। फेंडर पीछे से अचानक आकर गिब्सन पर वार कर देता है। गिब्सन इस बार उसे कोई मौका नहीं देता है और उसकी जबरदस्त पिटाई करता है। गिब्सन उसे एक जोरदार किक मारता है, जिससे फेंडर उछलकर दीवार में लगे हुक से टकरा जाता है और हुक उसकी पीठ में धंस जाता है। वो वहीं लटक कर मर जाता है। इधर चाकू लगने से नाडी की भी मौत हो जाती है। गिब्सन और हेली पर्ल को अपने साथ लेकर उसके घर पहुंचाते हैं। पर्ल गिब्सन से उनके साथ रुकने को कहती है, लेकिन वह हेली को लेकर चला जाता है। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी भी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।